एक दिन की बात है जब गांव में बारिश ना होने के कारण सारे में सूखा पड़ा था। जी सरपंच जी, हमारे गांव में सूखा पड़ा है, एक बूंद पानी तक नहीं है, खेती हो नहीं रही है, बच्चे क्या खाएंगे, आप कुछ कीजिए। हाँ, गांव में सूखा तो पड़ा है, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरपंच जी, सारे गांव की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, आप ही अब कुछ कर सकते हैं, इसका समाधान निकालिए जल्दी से जल्दी। सरपंच जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। मुझे एक उपाय सोचा है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बताओ तुम्हें क्या उपाय सोचा है जिससे हम गांव वालों की समस्या हल कर सकें। उपाय यह है सरपंच जी कि हमारे गांव में जो लाला रामदास की हवेली है, उस हवेली में बहुत सारा अनाज है, क्यों ना हम थोड़ा सा अनाज उसमें से निकाल कर अपने अपने घर ले आए। बात तो सही है तुम्हारी, अब गांव वालों की भलाई के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलो चलकर देखते हैं हवेली पर। तभी सभी गांव वाले लाला रामदास की हवेली की तरफ चलने लगते हैं। फिर वह लोग लाला रामदास की हवेला पर पहुंच जाते हैं। सरपंच जी, ये वही हवेली है जिसमें लाला ने हमसे अनाज लूट लूट कर भर रखा है, यहीं से हमको सारा अनाज मिलेगा। चलो भाइयों और सरपंच जी, अंदर चलते हैं। तभी सभी अनाज घर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि कितना सारा अनाज जमा कर रखा है लाला रामदास ने। यहाँ गांव में खाने तक को नहीं है, सूखा पड़ा है, और ये देखो लाला जी ने अपने घर में कितना सारा अनाज हमसे लूट लूट कर अभी तक भर रखा है। सरपंच जी, जरा देखूं मैं भी ये अनाज को, क्या पता इतने दिनों से बंद रहा तो खराब हो गया हो। नहीं नहीं, ये अनाज ठीक है, अगर ये खराब होता तो गांव में बदबू फैल जाती और सबका रहना मुश्किल हो जाता। चलो अपने घर के लिए थोड़ा थोड़ा अनाज ले लेते हैं। तभी सब लोग अनाज उठाने के लिए अनाज की तरफ बढ़ते हैं। जैसी सभी लोग अनाज की तरफ बढ़ते हैं, वैसी एक आवाज आती है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। ये मेरा अनाज है, इसे किसी को ले जाने नहीं दूंगा मैं। इतना कहते ही लाला रामदास का भूत उनकी तरफ आता है। ये सारा अनाज मेरा है, मैंने बहुत मुश्किल से तुम गांव वालों से लूट कर यहाँ रखा है। मुझको पता है तुम लाला रामदास के भूत हो, लेकिन अपने हवेली में से हमको थोड़ा सा अनाज दे दो। को पता है मैं कोई भी चीज फ्री में नहीं देता, अनाज के बदले में कुछ ना कुछ तुमको मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे गांव वालों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तुम मेरा एक हाथ रख लो और गांव वालों के लिए आज का अनाज दे दो। ठीक है, तुम अनाज ले जा सकते हो अपने एक हाथ देकर मुझको। ठीक है भाइयों, अपने अपने परिवार के लिए यहाँ से थोड़ा अनाज उठा लो और अपने गांव में लेकर चल लो। तभी उनमें से एक व्यक्ति अपने घर अनाज को लेकर पहुंचा। उसकी बीवी उसके पास आई और पूछा कि जी आप लाला रामदास की हवेली से अनाज तो ले आए, लेकिन वहाँ क्या क्या हुआ? आज भी लाला रामदास का भूत जिंदा है उस हवेली में, हमको सरपंच जी का एक हाथ देना पड़ा तब जाकर हमें थोड़ा सा अनाज खाने के लिए मिला। अच्छा, इतने से खाने में तो आज का ही काम चलेगा, हम कल क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को? तभी राजू की बीवी घबरा के भागते हुए राजू के पास आती है और कहती है कि अजी सुनो, बच्चे भूखे हैं, मैं बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए मैं लाला रामदास के पास जा रही हूँ। राजू की बीवी लाला रामदास की हवेली में जा पहुंची और बोली, लाला जी मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिए जिससे मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। हा, आज मैं तुम्हें खाना नहीं, मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा, मेरे को भी बहुत भूख लगी थी। इतना कहते ही लाला रामदास का भूत उनकी तरफ आता है और फिर वह उस पर वार करके उसको मार डालता है और खा जाता है। समय ज्यादा हो गया था पत्नी के वापस न आने पर, पति सोचने लगा कि
शायद लाला रामदास के भूत ने मेरी पत्नी को भी मार डाला। चलो मैं एक बार सरपंच जी से बात करता हूँ जाकर। तभी वह व्यक्ति सरपंच जी से बात करने उनके घर पहुंचा और बोला, सरपंच जी सरपंच जी। हाँ हाँ बताओ क्या हुआ, क्या समस्या हुई अब? सरपंच जी, मेरी बीवी लाला रामदास के पास से अभी तक वापस नहीं आई। अच्छा, तुम्हारी बीवी अभी तक वापस नहीं आई, लेकिन लाला रामदास के पास जाना तो बेवकूफी थी। तुम सबको पता है वो कुछ ना कुछ लेता ही है, शायद तुम्हारी बीवी को भी उसने मार डाला होगा। हाँ सरपंच जी, लेकिन ऐसे तो सारा गांव खत्म हो जाएगा। चलो हमें कुछ करना ही होगा। तभी वह एक बाबा के पास जंगल में जा पहुंचते हैं। बाबा को हमारा प्रणाम। बाबा हमारी समस्या का हल निकालिए, हमारा गांव समस्या में पड़ा हुआ है। ऐसा क्या हो गया गांव में जो तुमको मेरे पास आना पड़ा? बाबा को सरपंच सारी कहानी बताता है शुरू से एंड तक कि लाला रामदास का भूत जिंदा है, वो सारे अनाज पर कब्जा करके बैठा है, किसी को भी कुछ ले जाने नहीं दे रहा है, सबकी जान लेता जा रहा है। ये सारी बातें सरपंच ने बाबा को बताई और बाबा से बोला कि आप समस्या से बाहर निकालो हमको और सारे गांव वालों की जान को बचा लो सभी। ठीक है, तुम मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ लाला रामदास का भूत है, फिर मैं उस भूत का कुछ ना कुछ करता हूँ और तुम गांव वालों को आजाद कराता हूँ। इतना कहते ही सरपंच बाबा को हवेली में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। बाबा भी तैयार हो जाते हैं उनके साथ जाने के लिए। देखो महाराज, ये कितना सारा अनाज जमा कर रखा है, लेकिन हमें ले जाने के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा पहले। हाँ, लेकिन लाला रामदास का भूत तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ छुपा बैठा हुआ है? कौन है? मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दुष्ट, तूने क्यों इनको परेशान कर रखा है? क्यों नहीं इनको खनाज ले जाने देता? खाने दे इनको ना, नहीं तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा आज। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? ये सारा अनाज मेरा है, मैं किसी को ले जाने नहीं दूंगा। दोस्त, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा, तू तभी मानेगा। अब बाबा, ये भूत तो आपसे डरकर भाग गया, एक बार गांव में चलकर देखे क्या, पता नहीं कहाँ चला गया हो, कहीं गांव वालों को परेशान ना करे। बाबा से डर के भूत एक जंगल में आ गया। मैं बाबा से भाग के दूर तो आ गया, लेकिन बहुत थक गया हूँ, चलो थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ। वह बहुत थक गया था, इसलिए उसने सोचा थोड़ा आराम लेता हूँ और वह एक जगह पत्थर पर बैठ जाता है। दुष्ट, तू यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन मुझसे बचकर कहाँ जाएगा तू? बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं सारा अनाज इन लोगों को दे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तभी बाबा भूत की तरफ बढ़ते हैं और अपने जादुई शक्ति से भूत पर वार करके उसको खत्म कर देते हैं। इस दुष्ट को मैंने खत्म कर दिया है, अब तुम गांव वाले सुखी से रह सकते हो। ऐसे दोनों आपस में बात करते रहते हैं और बाबा बोलते हैं कि अगर ऐसी समस्या दोबारा आती है तो मुझे बुला लेना तुम दोबारा से। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इस कहानी का यही अंत होता है और सारे गांव वालों को खाने को अनाज मिल जाता है।